श्री अविनाश राय करना सर, बहुत अच्छा एक डिस्कशन और एक अच्छे इशू पर बातचीत हो रही है। आज जब सुबह मेरे पास कुछ अखबार आए तो मन में एक वेदना और चिंता हुई। ये पंजाबी का अखबार है, इसमें लिखा है कि कर्जे ने एक हफ्ते च हड़पे नौ खेतों के पुत्र। इसका मतलब है कि एक हफ्ते में नौ किसान उन्होंने पंजाब के एक ज़िले में आत्महत्या की। जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो एक अजीबोगरीब किसान की स्टोरी, बहुत नौकी है, लेकिन मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि उसने अपना परिवार चलाने के लिए खेती के साथ उसने पशु भी रखे हुए थे, लेकिन जब खेती का बोझ बढ़ता गया तो खेती लोन वापस करने के लिए उसने अपने पशुओं को बेच दिया। वो और गरीब हुआ तो गांव वाले ने इकट्ठे होकर उसको कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि आपको एक एक भैंस जो है वो आपकी वापस दिलवाते हैं ताकि अपना घर जो है वो चल सके। लेकिन जब उसका फिर भी घर नहीं चला तो अल्टीमेटली उसने जाके आत्महत्या कर ली। तो ये अलग अलग किसानों की अलग अलग कहानियाँ हैं। जब हम किसान के बारे में पढ़ते हैं तो कभी उसको अन्नदाता, कभी जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे तब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। वो इसलिए दिया गया, हम सबको याद है कि लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब हम बाहर से कनक लेते थे वो कनक जो थी वो खाने वाली नहीं थी, तो उस समय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हम सब लोग एक दिन का व्रत रखेंगे। एक टाइम एक दिन का व्रत रखने का जो निर्णय था लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उस समय भी किसान को तकलीफ हुई। उसने कहा नहीं, मैं अपने लोगों को एक दिन का व्रत रखने की बजाय मैं खेती इतनी पैदा करूंगा कि लोगों को व्रत रखने की जरूरत नहीं। तब जब इतना मेहनत करने के बाद किसान ने वो खेती की तब उसको नाम दिया गया जय जवान जय किसान और अन्नदाता। और किसान से जुड़े क्या क्या चीज़ें हैं, किसान से जुड़ी हुई चीज़ लेबर है। अगर किसान खेत में काम नहीं करेगा तो लेबर बेकार हो जाएगी। किसान से जुड़ा हुआ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्री है। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट पड़ेगा। किसान जो खाद यूज़ करता है, खाद बनाने वाली फैक्ट्री, वो किसान से जुड़ी हुई है। कमीशन एजेंट वो जुड़े हुए हैं। दुकानदार जो स्प्रे बीज वगैरह बेचते हैं वो जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा बिजनेस, वो भी किसान के कारण जुड़ा हुआ है। तो जितने प्रोडक्ट्स किसान के उगाए गए चीज़ों से बनते हैं, चिप्स हैं, कनक वीट है, वो इंडस्ट्री भी किसानों से जुड़ी हुई है। इसका मतलब एक किसान अगर खुशहाल होता है तो इतने बड़े लोग जो हैं वो खुशहाल होंगे, ये ऐसा एक चक्कर है। तो इसलिए शुरू में जब अटल जी की सरकार आई थी तो उस समय थोड़ा सा किसान को ये रिलीफ मिला कि उस समय के शाहूकारों से जब वो कर्ज लेता था तो उसको बहुत बड़ा ब्याज देना पड़ता था और ब्याज के चक्कर में वो फिर मारा जाता था। उस समय किसान क्रेडिट कार्ड एक थोड़ी सी रिलीफ जो है वो उस समय किसान को मिली। किसान के पास एक साधन आया कि अपने छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो करने के लिए किसान के पास उस समय पैसे थे, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है क्योंकि किसान एक बार फिर उसकी ज़मीन कैसी हो, उसको सीड कैसा मिलता है, उसको स्प्रे कैसा मिलता है, उसको बीज कैसा मिलता है, उसको फर्टिलाइज़र कैसा मिलता है। मैं समझता हूँ कि वो टेक्निकली भी किसान को हमें एक एजुकेट करना होगा, उसको किसान को ये बताना होगा कि कौन सा भी आज भेड़ चाल है। अभी हमारे पीएम साहब बता रहे थे कि अगर मैंने किसान एक ने देख लिया कि ये लाल डब्बे वाला कोई लेके आया है स्प्रे तो मैं भी यही डालूंगा, लेकिन इस बात से किसान की ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने शुरू हो गई। तो हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि जैसे एक इंसान का हेल्थ कार्ड बनता है इसी तरह किसान के लिए एक सॉयल हेल्थ कार्ड बनेगा। और मुझे खुशी हुई जब मैं अपने माननीय मंत्री के पास एक दिन एक डेलीगेशन को लेके गया तो इन्होंने बहुत डिटेल में समझाया कि हमारी सरकार की पॉलिसीज़ क्या हैं। हम बीज बेचने वाले को एक मिट्टी का डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जब किसान अपना हेल्थ कार्ड सॉयल हेल्थ कार्ड लेके आएगा तो वो दुकानदार बीज बेचने वाला वो बताने में सक्षम होगा कि आपको इस तरह की मिट्टी में कौन सा बीज जो है वो बोना होगा। अगर वो खाद खरीदने आता है तो किसान के पास हेल्थ कार्ड होगा सॉयल हेल्थ कार्ड, तो वो दुकानदार उसको बता सकेगा
कि आपको कौन सी खाद अपनी जमीन में डालनी है। स्प्रे के बारे में भी वो हेल्थ कार्ड को देख के बताएगा कि आपको कौन सा स्प्रे करना है। आगे जो मंत्रालय ने सोचा है, मैं मंत्री जी को बधाई भी देता हूँ, लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं ये किसान तक पहुँचनी चाहिए, नीचे जानी चाहिए। वो क्या है, वो दुकानदार इतना सक्षम होगा कि अगर किसान अपना सॉयल हेल्थ कार्ड नहीं लेके आया तो उसके दुकान में एक मशीन होगी, जो मशीन वो खाद अपने मिट्टी को देखकर बताएगी कि किसान को अब करना क्या है। तो ये बातें अगर ज़मीन पर इंप्लीमेंट होती हैं तो मैं समझता हूँ कि एक किसान को अपनी फसल का पूरा रेट पूरा भाव मिलेगा। कई बार बड़ी हैरानी होती है कि अगर एक बिजनेसमैन एक साल या डेढ़ साल उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, लॉस में जाता है, तो वो दुकान बंद करके कोई नया बिजनेस शुरू कर लेता है। लेकिन एक किसान ऐसा है जो हर 6 महीने लॉस भी झेलता है, फिर वो खेती करता है। आज खेती जो है वो एक प्रॉफिटेबल धंधा नहीं रही, आज हर समय लॉस पे लॉस, हर फसल पे लॉस, लेकिन फिर भी किसान हिम्मत रख के उस खेती को करता है। उसके बहुत से फैक्टर अलग अलग तरह से हर मेंबर्स ने बताने की कोशिश की है। MSP ठीक होना चाहिए, अगर किसान को उसकी मेहनत का रेट नहीं मिलता, जो एक कैलकुलेशन है उसके मुताबिक सर ये आया है कि किसान अगर अपनी लेबर भी उसमें डाल ले तो उसकी लेबर भी उसको नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि उसकी फसल का रेट तय करते समय जो उसका कम से कम खर्च हुआ है, उसकी लेबर हुई है, उसको वो मिलना चाहिए। अगर हम किसान की लेबर भी नहीं दे पाते तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा अन्याय किसान के साथ होता है। कुछ अच्छी अच्छी योजनाएं जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, लेकिन अभी तक जितनी इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। फार्मर्स की इंश्योरेंस जितनी इंप्लीमेंट होनी चाहिए नहीं हो पाई। मैं चाहूँगा कि हम सभी MPs का भी एक फ़र्ज बनता है कि सरकार की इन सभी स्कीमों को किसान तक ले जाने के लिए किसान की ट्रेनिंग, बैंक्स जो हैं वो भी किसान फ्रेंडली हों, ऐसा एक वातावरण हमें सबको बनाना होगा। सर, मैं आपको एक और बात ध्यान में लाना चाहता हूँ। उस समय बहुत दुख होता है जब किसान अपना कैश क्रॉप जो है वो लेकर मंडी में जाता है तो उसको भाव मिलता है 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, तो वो सोचता है कि इतना मेरा ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा हो गया, मेरा ट्रैक्टर का तेल इतना लग गया, अगर मैं 2 रुपये भी लेके गया तो मुझे शर्म आएगी ये पैसे लेते हुए। वो अपनी एक बोरी तो बचा लेता है लेकिन फसल को वहीं छोड़कर चला जाता है। तो इसके लिए हमें ये सोचना होगा कि कैसी इन फसलों की प्रॉपर मार्केटिंग हो। जब किसान के पास फसल है लेकिन अभी फसल ज़्यादा आ गई है तो स्टोरेज की फैसिलिटी इतनी होनी चाहिए कि जब रेट ठीक होगा तब किसान की फसल जो है वो बेची जाएगी, तो उसके कारण किसान को इनकरेजमेंट मिलेगी, फ़ायदा होगा। सर, मैं एक माननीय मंत्री जी आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे शहर में एक बार एक बंद गोभी जो होती है ना, पत्तेदारी गोभी, वो लेके एक किसान फेंकने लगा, तो अचानक एक कोल्ड स्टोर का मालिक, उसने कहा यार तू फेंक मत, मुझे दे दे, मैं तेरे से पैसा भी लूँगा, जब तेरी ये फसल अच्छी तरह बिक जाएगी तो मैं तेरे को उतने पैसे भी दूंगा, अगर तू ठीक समझे तो मुझे पैसे देना। उस समय 2 रुपये किलो उसकी बंद गोभी जो थी बिक रही थी। शादियों का सीजन आ गया तो उस कोल्ड स्टोर वाले ने वही गोभी 50 रुपये किलो बेची, तो 2 रुपये किलो बिकने वाली वो बंद गोभी 50 रुपये किलो बिकी, तब देखो किसान को कितना फायदा हुआ होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे कोल्ड स्टोर, अच्छे मार्केटिंग के लिए किसान की मदद, किसान की ट्रेनिंग ये होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जब भी किसान के हित में या किसान की बात के लिए कोई फैसला होता है तो उस समय किसानियत को जानने वाले प्रतिनिधि उस फैसले में नहीं होते। मान लो कोई कमीशन बना, कोई अजोक बना, कोई उसमें किसान का प्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है। किसान का एक ऐसा इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये ना तो राजनीति करने वाला इशू है, जो मुश्किल है वो मुश्किल है। किसान इस समय मुसीबत में है और एक सरकार का एक फ़र्ज है कि उस किसान को मुसीबत से निकालकर वो अन्नदाता बना रहे, वो अन्नदाता से भिखारी ना बने,
ये हम सबका प्रयास करने का एक कोशिश हम करें। मुझे आशा है कि जो जो इस सरकार ने एनडीए गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई हैं, ये स्कीम्स जो हैं ये किसान तक पहुंच पाए, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्री जी खुद किसान हैं, ये उनकी वेदना समझते हैं और हमारी सरकार खुद किसान हित की सरकार है, वो भी वेदना समझती है, लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट करके हम उस किसान को इस मुसीबत से निकालेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।